भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भरतपुर के दौरे पर हैं इस वक्त। किरोड़ीलाल मीणा कुछ बोल रहे हैं, आपको दिखाएंगे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय यहाँ पर हैं, मुखर्जी यहाँ पर हैं, जिन्होंने देश के लिए बलिदान कर दिया, उनको भूखा भेड़िया कहने करके राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ा अपमान किया है। उससे 2023 में बदला लेने का मौका आ गया है। आपको पता है, ये भी हमारी अनिता सिंह जी बोल रही थी, इनके गांव की एक वीरांगना और तीन वीरांगनाओं को लेके मैं जयपुर में गया था, जो पुलवामा के हमले में हमारे राजस्थान से 5 लोग शहीद हो गए थे, उनको राजस्थान के मंत्रियों ने भरोसा दिया कि हम तुम्हारी प्रतिमा लगाएंगे, शहीद का स्मारक बनेंगे, कॉलेज स्कूल का नाम करेंगे, सड़क देंगे, कुछ नहीं दिया। तो हम जब वहां पर धरने पे जाके बैठ गए तो आपने अखबारों में पढ़ा होगा, ऐसा अपमान वीरांगनाओं को देश में कहीं भी नहीं किया जो गहलोत की सरकार ने किया है। यहां से बहुत लोग सेना में जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो वीरों का अपमान करता है, जो वीरांगनाओं का अपमान करता है, जो शहीदों का अपमान करता है, जो पुलवामा पर सवाल पूछता है, जो एयर स्ट्राइक पर सवाल पूछता है, जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल पूछता है, और जो सामान्य नागरिक संहिता पर यह कहता है कि ये क्या ला रहे हो, इससे देश में बवाल फैल जाएगा। यानी कि कांग्रेस और प्रतिपक्ष के लोग चाहते हैं कि एक वर्ग ऐसा उसको छुट्टी मिल जाए कि एक नहीं 10 शादी करे और उसको खुली छूट मिल जाए किसी भी प्रकार का छोटी बहन बेटियों का शादी करने का। समान नागरिक संहिता के लिए देश के प्रधानमंत्री ने भोपाल में बोल दिया है कि कानून एक होगा, एक घर में एक गांव में दो कानून नहीं हो सकते, और देश में लागू करके रहेंगे। कश्मीर की समस्या का समाधान किया, 3 तलाक का किया, और नागरिक समाज संहिता का भी करेंगे। लेकिन सुन लो, डबल इंजन की सरकार बनानी है। राजस्थान में बहुत हो गया, भ्रष्टाचार चरम पर है, और 4 साल तक 5 साल तक दोनों लड़े, पायलट साहब और गहलोत साहब को इन जवानों ने वोट दे दिया, इन किसानों ने वोट दिया इस विश्वास के साथ कि राजस्थान को आगे ले जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति तो कुर्सी के चिपका रह गया, और एक व्यक्ति ये इनके इन प्रकार कुर्सी पर चढ़ना चाहता था। दोनों की लड़ाई में जनता खूब पिसी है, जनता को खूब पीसा है, खूब लूटा है, खूब मारा है, खूब गुंडागर्दी हुई है। अगर भारतीय जनता पार्टी का राज आ गया ना, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे बगल में यूपी में सारे गुंडे यूपी को छोड़ के भाग गए, वैसे अगर भारतीय जनता पार्टी का राज आ गया तो जितनी गुंडागर्दी हो रही है राजस्थान से, सारे गुंडे तड़ी पार हो जाएंगे और सुख शांति राजस्थान को देंगे। इस बात का भरोसा मैं आपको देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब किरोड़ीलाल मीणा जी। अब मैं निवेदन करूंगा उपनेता आदरणीय सतीश पुनिया जी से, आप आए और हम सबको संबोधित करें। डॉक्टर सतीश पुनिया जी, बोलिए। भारत माता की, भारत माता की जय। बोलिए गिरिराज महाराज की। इस विशाल आम सभा में हम सब के बीच में उपस्थित आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, आदरणीय किरोड़ीलाल मीणा जी, आदरणीय अलका गुर्जर जी, सांसद रंजीता जी, और यहाँ पर उपस्थित पार्टी के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, इस लोहागढ़ की धरती से एक आगाज हुआ है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इस सभा के द्वारा। मुझे पता लगा कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अध्यक्ष जी के हेलीपैड की जगह को खोद दिया, खड्डा कर दिया, पर मुझे लगता है कि भरतपुर की जनता और राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी के लिए इतने खड्डे कर देगी कि दोबारा वह सत्ता में आने का सपना भी कभी नहीं ले पाएंगे। ये वीर महाराजा सूरजमल की धरती, ये पूरब का द्वार, पूरब से सूरज उगता है, और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से 9 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
किसानों